वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में देवी देवताओं के मंदिर का पता लगाने का सर्वे तो हो रहा था, लेकिन वहां आदि विश्वेश्वर शिवलिंग के प्रकट होने का ऐलान कर दिया गया। सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में पेश होने से पहले ही हिंदू पक्ष के पैरोकारों ने ज्ञानवापी में हर हर महादेव का उद्घोष भी शुरू कर दिया। वाराणसी के जिस कोर्ट में आदेश पर सर्वे हुआ, उसी कोर्ट में हिंदू पक्ष के वकीलों ने ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने में शिवलिंग होने का दावा किया, जिस पर कोर्ट ने वजू खाने को सील करने और शिवलिंग की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश जारी कर दिया। अब आप समझ लीजिए ईश्वर साक्षात प्रकट हो गया। बाबा मिल गए, बस इतना काफी है। बारह भाई चार का फिट का व्यास का प्राप्त हुआ। इन लोगों का कहना था कि फवारा है, हटवाने के बाद वहाँ एक शिवलिंग की आकृति की काला पत्थर जो वास्तव में आदि विश्वेश्वर का शिवलिंग है वो पाया गया। काशी में ज्ञानवापी नाम की मस्जिद है या ये आदि विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग का पौराणिक मंदिर है? इतिहास और आस्था के बीच लगभग 350 साल से उलझे इस सवाल का जवाब 7.5 घंटे के सर्वे में सामने आ गया। सर्वे खत्म होने के बाद बाहर निकलते ही हिंदू पक्ष के वकीलों और पैरोकारों ने दावा करना शुरू कर दिया कि ज्ञानवापी मस्जिद में जिस तालाब को वजू खाना कहा जाता है, उसी तालाब में बाबा आदि विश्वेश्वर के दर्शन हो गए। बाबा मिल गए और जिन खोजा तीन पाइया गहरे पानी पैट, बस आप समझ। अरे सर जी खोजिए, इसमें करते थे उसमें पानी हाथ पैर वगैरह देते थे, वो तो वजू करते थे उस तालाब में। उसी के बीच में एक सेंटर था जहाँ पे तालाब के बीच में भी एक गोलाकार बना था, पानी हटाया गया, वो सारे साक्ष निकल के वहीं ईश्वर के रूप में प्रकट हो गए। ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने में शिवलिंग के दर्शन के दावे जिस वक्त किए जा रहे थे, तब तक सर्वे की रिपोर्ट तैयार भी नहीं हुई थी। कोर्ट कमिश्नर इन दावों पर चुप्पी साधे हुए थे और मुस्लिम पक्ष के वकील सवाल उठा रहे थे कि सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में पेश होने से पहले ऐसी बयानबाजी का क्या मतलब। ये गोपनीय रिपोर्ट है, चूँकि कमिश्नर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होता है, कोर्ट का प्रतिनिधि होता है, उसको निष्पक्ष तरीके से माननीय न्यायालय का आदेश का पालन करना होता है, और गोपनीय रिपोर्ट है उसको हम लोग ओपन नहीं कर सकते। वादी चीज देखी गई है, जो वस्तु स्थिति थी वो अपने कमीशन की रिपोर्ट में हम लोग दिखा देंगे। कि जिस कोर्ट ने कमीशन भेजा, अभी उसी कोर्ट के सामने कमीशन की रिपोर्ट नहीं आई है। जब तक कमीशन की रिपोर्ट नहीं आई है, तब तक ये कैसे कह दिया जाए कि उस पर क्या चीज़ मिला क्या चीज़ नहीं मिला, ये तो अपने आप में एक बड़ी सोचने वाली बात है। लेकिन हिंदू पक्ष के दावे सिर्फ जबानी नहीं थे, बिना देरी किए उनके वकीलों ने कोर्ट में अर्जी दाखिल की। उसमें भी ज्ञानवापी के वजू खाने में शिवलिंग होने का दावा किया गया और कोर्ट ने हिंदू पक्ष की अर्जी मंजूर करते हुए वाराणसी के डीएम को आदेश दिया कि जिस जगह शिवलिंग मिला है उसे सील कर दिया जाए। उस जगह यानी ज्ञानवापी मस्जिद के तालाब की सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ को तैनात करने का आदेश भी जारी कर दिया गया। शिवलिंग आकार कितना होगा विष्णु? 12 फुट बाय 4 फुट का वो डायमीटर है, परिधि है उसकी, और 3 फुट तक गहरा शिवलिंग। अच्छा, पहले नहीं दिखाई दिया था तो वहाँ पानी भरा था, तो क्या कुछ पानी हटा के उसको देखा गया? तो पहले क्या मतलब कुछ मुस्लिम पक्ष कह रहा था कि पानी नहीं हटाया जाए, मछलियाँ मर जाएंगी, मछलियाँ मर जाएंगी, ये फुवारा है, तो उसको जब हटा के देखा गया तो वहाँ पे शिवलिंग मिला। ज्ञानवापी का सर्वे श्रृंगार गौरी, नंदी, गणेश और दूसरे देवी देवताओं के स्थान का पता लगाने के लिए शुरू हुआ था, लेकिन सर्वे पूरा होते ही मामला पूरी तरह आदि विश्वेश्वर के शिवलिंग की तरफ मुड़ गया। इन लोगों का कहना था कि फवारा है, हम लोगों को संदेह हुआ कि फवारा तो भाई पानी के ऊपर होता है, भीतर कैसा फवारा है। हम लोगों ने इस पर एक आपत्ति कल लगाई थी कि भाई इसको आप पानी हटवाइए, प्रशासन द्वारा पानी हटवाया, हटवाने के बाद वहाँ एक शिवलिंग की आकृति की काला पत्थर जो वास्तव में आदि विश्वेश्वर का शिवलिंग है वो पाया गया। यह मुद्दा आस्था से शुरू हुआ, जिस पर राजनीति गरमाने में भी देर नहीं लगी। हालांकि अभी सिर्फ ज्ञानवापी मस्जिद के तालाब में शिवलिंग मिलने का दावा भर किया जा रहा है, अदालत ने उस पर कोई फैसला नहीं सुनाया है,
लेकिन AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इसे ज्ञानवापी मस्जिद के वजूद पर खतरा बताना शुरू कर दिया। मिलना चाहिए, मस्जिद को अब हम नहीं खोएंगे। ज्ञानवापी मस्जिद मस्जिद थी और जब तक अल्लाह दुनिया को कायम रखेगा मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह ताला। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ओवैसी को नसीहत दी कि वो सबूतों को स्वीकार करें और कोर्ट में चल रहे मामलों में भड़काऊ बयानबाजी से बाज आएं। स्पष्ट है, भगवान बुद्ध पूर्णिमा के दिन जो है भोलेनाथ जी प्रकट हो गए हैं, यह खुशी का दिन है, प्रसन्नता का दिन है। और सच जो है जिसे दबाने की कोशिश की गई वह प्रकट होकर के सामने आया है। वो कहते हैं ना, शिव ही सत्य है, सत्य ही शिव है। वो हैदराबाद में अपनी बयानबाजी करें, उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने की और वोट बैंक जुटाने की कोशिश ना करें। ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने का दावा उसी अंदाज में हुआ जैसे 1949 में अयोध्या में रामलला के प्रकट होने का दावा किया गया था। अयोध्या में उसी के बाद कानूनी दावपेच का लंबा दौर चला और अब मुस्लिम पक्ष ने ज्ञानवापी मामले में भी लंबी कानूनी जंग की तैयारी कर ली है। कमिश्नर अगर अपनी रिपोर्ट फाइल करेगा, मैं उसकी प्रमाणित प्रतिलिपियां हासिल करूंगा, कमिश्नर की रिपोर्ट का अध्ययन करूंगा और कमिश्नर की रिपोर्ट अगर देखा जाएगा कि कोर्ट के ऑर्डर के बियॉन्ड है या कमिश्नर ने ऐसा कोई चीज लिख दिया जो मौके पर नहीं थी, तो आई शेल फाइल एन ऑब्जेक्शन अगेंस्ट द कमिश्नर रिपोर्ट। जब तक कमिश्नर रिपोर्ट रिकॉर्ड पर आ न जाए, उसको देख न लिया, और कोर्ट ने ऑलरेडी कल की डेट फिक्स कर रखा है फॉर फाइलिंग ऑफ द कमिश्नर रिपोर्ट, तो वी आर अवेटिंग द कमिश्नर रिपोर्ट। ज्ञानवापी मस्जिद और आदि विश्वेश्वर शिवलिंग के इस विवाद में अब सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर हैं, जहां मुस्लिम पक्ष की याचिका पर 17 मई को सुनवाई होनी है। उसी दिन वाराणसी में सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में ज्ञानवापी के सर्वे की पूरी रिपोर्ट पेश होने की उम्मीद भी है, जिसके बारे में हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि ज्ञानवापी परिसर में मंदिरों के सबूत उम्मीद से भी ज्यादा मिले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दरअसल ज्ञानवापी का कानूनी विवाद अयोध्या जैसा ही है। इस विवाद में भी तीन पक्ष हैं जो अपनी अपनी दलीलों के साथ कानूनी जंग लड़ रहे हैं। ज्ञानवापी मामले में पहली याचिका जमीन विवाद से जुड़ी है जो 1991 में दाखिल की गई थी। इस याचिका में स्वयंभू आदि विश्वेश्वर महादेव की तरफ से तीन लोगों ने ज्ञानवापी को मंदिर बताते हुए उस पर दावा ठोका था। ज्ञानवापी से जुड़ी दूसरी याचिका अगस्त 2021 में दिल्ली और वाराणसी की पांच महिलाओं ने दाखिल की, जिनका दावा था कि ज्ञानवापी परिसर में श्रृंगार गौरी समेत कई देवी देवताओं के मंदिर हैं, जिनका संरक्षण करने और नियमित पूजा की अनुमति देने की मांग की गई। उसी याचिका पर सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने ज्ञानवापी का सर्वे करवाया, जिसकी रिपोर्ट अभी कोर्ट में दाखिल होनी है। इसी सर्वे पर रोक लगाने के लिए मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है, जिस पर 17 मई को सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम पक्ष ने मांग की कि उन्हें श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे और उसकी वीडियोग्राफी का आदेश 1991 के धर्मस्थल कानून का उल्लंघन है। क्या ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे कानून के दायरे में हुआ? क्या ज्ञानवापी मस्जिद के तालाब में शिवलिंग मिलने के बाद उसे फिर से मंदिर बनाया जा सकता है? जिस वक्त काशी में ज्ञानवापी परिसर के बाहर हिंदू पक्ष के पैरोकार और वकील सर्वे में मंदिरों के सबूत मिलने और शिवलिंग के सार्थक दर्शन का दावा कर रहे थे, उससे थोड़ी ही देर पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस बात पर बहस चल रही थी कि क्या ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे कराने का आदेश जिला अदालत दे सकती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई आस्था के बजाय ज्ञानवापी के जमीन विवाद पर चल रही है। हिंदू पक्ष ने आदि विश्वेश्वर की तरफ से ज्ञानवापी पर अपना दावा 1991 में ठोका था। तब मुस्लिम पक्ष ने 1991 के धर्मस्थल कानून का हवाला देकर सुनवाई रोकने की मांग की, तो हाई कोर्ट ने 1993 में वाराणसी की जिला अदालत में चल रही सुनवाई पर रोक लगा दी थी। वर्ष 1918 में सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में आदेश दिया कि सुनवाई पर स्टे ऑर्डर 6 महीने से ज्यादा प्रभावी नहीं रहेगा। उसके बाद 2019 में ज्ञानवापी जमीन विवाद की सुनवाई दोबारा शुरू हुई। अप्रैल 2021 में वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर का पुरातत्व विभाग से सर्वे कराने का आदेश दिया था, लेकिन उस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी।
इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज उसी पर दोबारा सुनवाई हुई कि क्या ज्ञानव्यापी मस्जिद का पुरातत्व विभाग से सर्वे कराया जा सकता है। हाई कोर्ट में सुनवाई अब 20 मई को होगी। पुरातत्व विभाग से ज्ञानव्यापी का सर्वे कराने का कानूनी पेच सुलझाने से पहले ही कोर्ट कमिश्नर ने सर्वे कराने का आदेश आ गया। ये मामला चूंकि जमीन विवाद से नहीं जुड़ा था और मुस्लिम पक्ष को श्रृंगार गौरी के स्थान पर सर्वे करने से कोई दिक्कत भी नहीं थी, लेकिन जब कोर्ट कमिश्नर ने मस्जिद परिसर के अंदर सर्वे करना शुरू किया तो मुस्लिम पक्ष की बेचैनी बढ़ गई। ज्ञानव्यापी मस्जिद की मैनेजमेंट कमेटी को फिर से 1991 का कानून याद आया और उसने मस्जिद के सर्वे को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिस पर 17 मई को सुनवाई होनी है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को पूरे देश में 11 जुलाई 1991 को लागू किया गया था। इस कानून की धारा 3 में लिखा है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म स्थल को दूसरे धर्म के स्थान में नहीं बदल सकता। इस एक्ट की धारा 4 उपधारा 1 में लिखा है कि किसी भी धर्म स्थल का जो धार्मिक स्वरूप 15 अगस्त 1947 को था वो उसी स्वरूप में रहेगा। 1991 के इस कानून से सिर्फ अयोध्या में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद विवाद को अलग रखा गया, जिसकी सुनवाई तब सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी। मुस्लिम पक्ष की दलील है कि जब 1991 के कानून के तहत ज्ञानव्यापी का स्वरूप बदला नहीं जा सकता तो फिर कोर्ट कमिश्नर या पुरातत्व विभाग से सर्वे कराने का कोई मतलब नहीं है। हालांकि कानून के जानकारों का कहना है कि मुस्लिम पक्ष इस मामले को जितना आसान समझ रहा है उतना सीधा मामला नहीं है। ज्ञानव्यापी मस्जिद जिसको कहते हैं ये, और जो शिव का मंदिर है जिसका विस्तार हुआ है अभी, ये दोनों एक ही प्रांगण है, एक कैंपस है, एक भूमि है। और इतिहास से जो लोग भी वाकिफ हैं, जानकार हैं, इस पर कोई विवाद नहीं है कि औरंगजेब ने उसको गिराया है और वहां पर मस्जिद बनाई है। कानून के जानकारों का कहना है कि किसी विवादित धर्म स्थल का सर्वे कराने से रोकने का कोई प्रावधान 1991 के कानून में नहीं है। तो सर्वप्रथम कोर्ट को ये तय करना पड़ेगा कि ये जो बात मैं कह रहा हूँ या जो वहाँ पर वकील लोग रखेंगे तर्क, उनके आधार पर क्या इसको आप उस कानून के बाहर समझते हैं या उसके गिरफ्त में समझते हैं। अगर उसके दायरे में है वो, तो एक सूरत बनती है। अयोध्या के बाद काशी और मथुरा को मुक्त कराने का एजेंडा चलाने वाले विश्व हिंदू परिषद के नेताओं का दावा भी यही है कि ज्ञानव्यापी मामले में 1991 का कानून बिल्कुल आड़े नहीं आता। इसलिए वो स्थान जहां शिवलिंग है, वो मंदिर है, अब भी है, 1947 में भी था, यह स्वयं सिद्ध हो चुका है। मैं आशा करता हूं कि इस साक्ष्य को समस्त देशव्यापी अब स्वीकार करेंगे, इसका आदर करेंगे और इसकी जो स्वाभाविक परिणतियां हैं उस तरफ भी देश बढ़ेगा। ज्ञानव्यापी परिसर में श्रृंगार गौरी का मंदिर पहले से है, जहां 1992 तक नियमित पूजा होती थी और आज भी साल में एक बार वहां पूजा करने पर मुस्लिम पक्ष को कोई आपत्ति नहीं है। जिस तालाब में शिवलिंग देखने का दावा किया जा रहा है वो भी मस्जिद के बाहर है। ऐसे में अगर हिंदू पक्ष ने सिर्फ शिवलिंग या मंदिर वाले हिस्से पर ही दावा पेश किया तो मस्जिद को जस का तस कायम रखने की राह आसान नहीं होगी। 15 अगस्त की अगर नमाज पढ़ी जा रही थी आधे हिस्से में, तो आधी मॉस्क है और आधा जो है वो पूजा हो रही थी, इसलिए आधा मंदिर है। मगर यहाँ पर जब हम इसको ये अप्रोच लेते हैं तो हम उस कैंपस को, उस भूमि को खंडित करते हैं दो हिस्से में, आधा उधर आधा इधर। सवाल तो ये है कि वहां पर मंदिर था तो महज नमाज से कि आधे में पढ़ी जा रही है उसका स्टेटस तय नहीं होगा। अब सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट पर है, क्योंकि सर्वे की वैधता वही तय होनी है। उसी के बाद ज्ञानव्यापी का भविष्य तय होगा, जिसके लिए लंबी कानूनी लड़ाई के लिए दोनों पक्षों ने कमर कस ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।